हे गेमर्स, हमारे पास आ चुका है Realme 9 Pro 5G। आज हम इसकी करेंगे क्विक अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे फ्री फायर मैक्स गेमिंग रिव्यू। तो हमारे पास जो फ़ोन है वो है 6+128GB वेरिएंट और इसे आप 17,000 में ले सकते हो। तो पहले क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो मैंने इस फ़ोन में काफ़ी देर गेमिंग करी है और क्या एक्सपीरियंस करा है मैंने वो सब बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो पहले कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में आप ऑल हाई सेटिंग ऑन कर सकते हो, हाई रेजोल्यूशन, शेडो, हाई FPS सब, और ये चारों फिल्टर्स भी। तो पहले मैं आपको हल्का सा गेमिंग दिखा देता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। First blood. Double kill. सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले में सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम लगी। 17,000 के प्राइस पर कोई भी एक अच्छी सेंसिटिविटी की उम्मीद करता है। हालांकि इसमें 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, बट ये उतना फील नहीं होता गेमिंग में। हो सकता है ये आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो जाए, न्यू प्रोसेसर है तो हो सकता है अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए हैं। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने काफ़ी देर गेमिंग करी है और क्लैश स्क्वाड तक तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिला, बट फुल मैप में क्लोज फाइट के वक्त हल्का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाता है, बाकी परफॉर्मेंस ओके है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग की बात करूँ तो सेम उधर भी, बस क्लोज फाइट में थोड़ा सा लैग होता है, बाकी हाई सेटिंग्स पर इजीली रिकॉर्ड हो जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 695 5G, उसी की प्रॉब्लम है। ये प्रोसेसर ऑन पेपर तो काफ़ी पावरफुल है बट प्रैक्टिकली उतना एफिशिएंट नहीं है। इस प्रोसेसर की एक अच्छी बात भी है कि इसमें आपको हीटिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। काफ़ी लंबी गेमिंग करने पर भी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा फील होता, जो कि अच्छा है। बाकी बैटरी अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप काफ़ी डिसेंट है। सो अब अगर बात करूँ कि क्या ये फ़ोन 17,000 या 18,000 के प्राइस पर लेना चाहिए या नहीं, तो रिव्यू देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस रेंज में इससे बेटर गेमिंग फोन्स अवेलेबल है। तो इस फ़ोन को मैं फुल्ली गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, हाँ नॉर्मल यूज़ के लिए आप ले सकते हो। तो रिव्यू में बस इतना ही। रिव्यू काम की लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।